जी प्लीज वॉच माय फुल वीडियो। Cantilever beam rain is subjected to UDL at anywhere, any place in the beam. तो आप मेरे इस वीडियो को आप अच्छे से वॉच करें क्योंकि कैंटिलीवर बीम का काफी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस होती है, या ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो, या कॉनोपी में हो, या आपकी कोई सनसेट छज्जा हो, बालकोनीज, इस टू मच यूजेस ऑफ द कैंटिलीवर बीम्स एंड स्लैब्स। थैंक यू। दोस्तों ये आप देख लीजिए, व्हेन द लोड इज प्लेस्ड एनीवेयर ऑन द बीम, लेट द लोड इज डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ, ओके, डिस्टेंस ए, एंड ये डिस्टेंस आपकी बी हो गई, एंड फ्रॉम दिस एंड सपोज दिस ए एंड दिस इज बी, और ए बी की डिस्टेंस आपका एल है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और दिस टाइप्स ऑफ कैंटिलीवर बीम। फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, नेक्स्ट सपोर्ट डायरेक्शन निकालिए, देन एसएफडी और फोर्थ में होगा बीएमडी। ओके, देयर इज फोर स्टेप्स। ये आर ए ऊपर की ओर जा रही है और इसको बैलेंस करने के लिए सिर्फ डाउनवर्ड लोड होंगे डब्ल्यू इंटू ए, सो आर ए इज कॉल्ड डब्ल्यू इंटू ए, दिस इज द सपोर्ट रिएक्शन। और ये कोई भी सेक्शन अगर लेंगे यहां पे आप, राइट साइड इज गोइंग डाउन, सो फॉर द कैंटिलीवर बीम शेयर फोर्स विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, ओके, और यहां से यहां कोई लोडिंग नहीं है तो ये रहेगा ओनली स्ट्रेट लाइन, कोई कुछ पे नहीं रहेंगे। और चूंकि यहां पे अगर इसको पॉइंट आउट करें तो कितने यहां पे डब्ल्यू इंटू ए, तो ये ट्रायंगल होगी, ये इस तरह से स्ट्रेट ट्रायंगल होगी, दिस इज अ ट्रायंगल, ओके, और एंड दिस विल बी अगेन गो अप टू द सपोर्ट एंड इट मस्ट बी इक्वल टू डब्ल्यू ए, बिल्कुल रेक्टेंगल होगी, स्ट्रेट जाएगी और इसकी वैल्यू सपोर्ट डिफरेंस के बराबर ही होगी। इस तरह से हम इसको प्लस लिख देते हैं, ये हो गई एस एफ डी, ओके। नेक्स्ट कम टू द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, थर्ड स्टेप में अपना आ गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ओके। बेंडिंग इट विल बी द होगिंग बेंडिंग मोमेंट, होगिंग मीन्स नेगेटिव, ओके। जब ये लोड, दिस लोड इज टर्न आउट लाइक दिस इज द क्लॉकवाइज मोमेंट, अनदर कपल इज जनरेटेड एंड बीम विल बी हाउ, सो फॉर द कैंटिलीवर बीम हमेशा आप नेगेटिव बेंडिंग, तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट ऐसे बनाइए और यहां से लेकर यहां तक देर इज नो फोर्स ए बी सी डी लिख दीजिए, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अब देखिए, सिंस देयर इज नो लोड, प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली हाउ एट द फ्री एंड एंड एट द पॉइंट डी बेंडिंग मोमेंट इज जीरो। बी पे क्या होगी बेंडिंग मोमेंट एंड बी, ये जीरो होगी, सिंस इधर कोई लोड नहीं है तो जीरो होगी, एंड बी पे क्या होगी, यहां भी जीरो होगी, एमडी विल बी ऑल्सो जीरो, क्योंकि जब इधर लोड ही नहीं है तो इसकी बेंडिंग मोमेंट क्या होगी, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस है बट फोर्स जीरो है, तो इसीलिए इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद में यहां भी जीरो हो जाएगी, ओके। अब लेट अस कम टू हियर एमसी मींस बेंडिंग मोमेंट एट सी, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ओके। डिस्टेंस मींस यूडीएल के लिए जो सेंटर में एक्ट कर रही है,
तो हमें क्या होगा, ये लोड हो गई डब्ल्यू इंटू ए माइनस डब्ल्यू इंटू ए, और व्हाट इज डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस डब्ल्यू ए बाई टू, दिस इज ए बाई टू, तो ये आपकी हो गई माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू, यहां पे होगी ओके okay? और ये क्या होगा, ये दिस विल बी लाइक दिस, पैराबोलिक होगी, पैराबोलिक। नाउ कम टू दिस पॉइंट, व्हाट विल द बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट ए विल बी फोर्स इनटू डिस्टेंस। आप यहां देख लीजिए, ये लोड है और डिस्टेंस आप यहां से लेकर के जो सेंटर, क्योंकि हमेशा डब्ल्यू एल में क्या होता है, जो यूटीएल होती है वो हमेशा सेंटर में एक्ट करती है, जो भी है इसकी ग्रेविटी, ग्रेविटी लोडिंग। तो ये डिस्टेंस हमारी होगी एल माइनस ए बाई टू माइनस बी, मीन्स ये पूरे डिस्टेंस है, दिस माइनस कर दीजिए और ये माइनस कर दीजिए, तो आपकी और डब्ल्यू इंटू ए आपकी हो गई लोड, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए विल बी माइनस, सिंस इट इज होगी डब्ल्यू इंटू ए हो गई और डिस्टेंस आप ले लीजिए दिस वन एल माइनस ए बाई टू माइनस बी ओके। और ये क्या होगी, दिस विल बी ए कॉन्स्टेंट, ये आपका कॉन्स्टेंट आएगी, इस तरह से आएगी, आई विल राइट हियर हियर माइनस डब्ल्यू ए इंटू एल माइनस ए, एल माइनस ए बाई टू माइनस बी, और ये प्रोजेक्ट कर दिस वन, तो ये आपकी दिस इज द बेंडिंग मोमेंट एंड दिस इज द नेगेटिव ओके, बी एम डी विल बी नेगेटिव। तो इस तरह से आपने बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं व्हेन द यूटीएल इज एनीवेयर ऑन द बीम। तो हमेशा इसमें थोड़ा याद रखना है कि जहां पे कोई लोडिंग नहीं है वहां पे स्ट्रेट लाइन होगी, यहां के लिए ये पैराबोली होगी, और फ्रॉम दिस पोर्शन दिस विल बी ए कॉन्स्टेंट वेरिएशन ओके, स्ट्रेट लाइन कॉन्स्टेंट वेरिएशन। और ये जो भी लोड है ये सेंटर में एक्ट हो रही है, तो आपको लोड का जो भी डब्ल्यू ए लेकर के आपको सेंटर डिस्टेंस लेना है यहां के लिए, और यहां के लिए क्या होगी डब्ल्यू ए और सेंटर डिस्टेंस ये लेना है, तो डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू यहां के लिए होगी, दिस इज डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू दिस पर्सन एंड दिस पर्सन के लिए डब्ल्यू ए एल माइनस ए बाई टू माइनस बी दिस डिस्टेंस। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे इसका बेंडिंग मोमेंट। एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा इस पे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, टिल दैट यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक केयर एंड वॉच मोर। वेलकम टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी, प्लीज वॉच माय फुल वीडियो फॉर फुल।